हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुप्ता और जर्नी ऑफ वुड वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। ये देखिए, आज हमारे सॉमिल के अंदर ये आम के जो लंबे प्लैंक्स होते हैं उसकी कटाई चल रही है। जो लंबे प्लैंक्स हॉरिजॉन्टल मशीन में से निकल के आते हैं उनकी दोनों साइडें क्लीन करनी रहती है, तो ये वर्टिकल मशीन पे ही हो पाती है। तो ये हमारे ठेकेदार साहब है जो मशीन पे खड़े हैं, वो कटाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये लंबा प्लैंक्स है, उसकी पहले दोनों साइड से उसको एकदम फेस काटेंगे और फिर उनकी दोनों साइडों में से क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गए ना। अच्छा, ये माल आम का है और आम के प्लैंक है, जो हैंडीक्राफ्ट में जाते हैं ज़्यादातर, इसको सीटिंग करके केमिकल ट्रीटमेंट करके इसमें से फर्नीचर बनाते हैं। और फिर यूरोप जैसी कंट्रियों के अंदर और इंडिया में भी दिखता है, सब बनाते हैं इसमें से फर्नीचर। यानी सोफ है, टेबल है, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल है, बहुत सारे फर्नीचर की क्वालिटी इसमें से बनती है और अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं। उसमें पॉलिश भी करते हैं, कलर्स भी करते हैं, बहुत ही बड़ा काम है एक्सपोर्ट का। और ये राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, ऐसी सब वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो लोग ये माल, आम का माल लेते हैं और उनका हैंडीक्राफ्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करके और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो कच्चा माल ही उनको दे देते हैं, हम कुछ इसको प्रोसेस नहीं करते हैं। और ये ऐसा ही कटाई होती है। मेरी वीडियो पे, मेरी चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे कि आम की पीढ़ियों में से कैसे ये ब्लैंक निकलते हैं और फिर इसको कैसे काटते हैं, उसमें से लॉक कैसे बनाते हैं, फिर लॉक को सीधा करके कैसे उसमें से प्लैंक निकालते हैं। वो सभी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पे। और हमारा तो बरसों से यही काम है, हम आम का ही काम करते हैं और ज़्यादातर आम का ही काम करते हैं, आम के प्लैंक ही निकालते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कटाई चल रही है। पूरे दिन में 150 से 200 CFC तक माल निकल जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीन दोनों चालू रहे तो 150 CFC तक माल निकाल पाते हैं। एक सॉमिल की इतनी कैपेसिटी होती है। फिर वो टाइमिंग के हिसाब से 9 घंटा का एवरेज टाइम होता है, 9 से 10 घंटे का। उससे ज़्यादा ओवर टाइम करें तो फिर ज़्यादा निकल सकती है, लेकिन कैपेसिटी 150 CFC तक की रहती है। अभी लेबर का इश्यू भी बहुत है, फिर भी ठीक है। ये देखिए, जो पिन निकालने, मैं आई होप कि आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कैसे कटाई होती है, चिराई होती है, और अच्छे से समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू।